हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे हमें सिंपलीफाई करना है। गिवन है 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 अपॉन में 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने लिया एक्सरसाइज 5A से, एक्सपोनेंट्स चैप्टर का नाम है, चैप्टर 5, क्लास 7 की बुक है फ्रेंड्स मैथ्स की, आरएस अग्रवाल की। तो चलिए सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा सकता है। आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है 3 की पावर 5, एज इट इज़ रखते हैं इसको, इन टू में है 10 की पावर 5। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 10 हो जाएगा, इसकी होल पावर हो गई 5। इंटू में 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर के फॉर्म में, 5 की पावर 2 अपॉन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे है 5 की पावर 7। इसको फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 की पावर 5 आ जाएगा और ये 5 की पावर 2 है। तो इसे हम ब्रेक भी कर सकते हैं या यहाँ पे हम दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों सेम है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर देते हैं। 5 की पावर 7 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 + 2 सेम रहेगा। एन यहाँ पे है 6 की पावर 5, तो इसको इस प्रकार से ब्रेक करेंगे, 6 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, तो 2 इंटू 3 की होल पावर 5। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया है। अब इसे हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 5 एज इट इज़ इंटू 2 की पावर 5 इंटू में 5 की पावर 5, इसको हमने अलग अलग कर लिया है, इंटू में 5 की पावर 2 ये वाला। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे भी पावर प्लस में है तो इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 5 की पावर 5 इंटू में 5 की पावर 2। एज वी नो जब a की पावर m इंटू में a की पावर n होता है तो क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n। मीन्स जब बेस सेम होता है मल्टीप्लिकेशन में तो पावर प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, a की पावर m प्लस n मतलब 5 की पावर 5 + 2। तो हमने इसको किस प्रकार से ब्रेक किया, a की पावर m मतलब 5 की पावर 5 इंटू में a की पावर n मीन्स 5 की पावर 2 इस प्रकार से। और यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसको अलग अलग करेंगे, 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 5। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम देख सकते हैं 3 की पावर 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह कैंसिल हो गया, 2 की पावर 5 भी दोनों जगह है, 5 की पावर 5 भी कैंसिल हो गया आपस में एंड 5 की पावर 2 भी कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ओवरऑल है सभी चीज़ें कैंसिल हो गई, रिमेनिंग क्या बच गया है, 1। सभी जगह फ्रेंड्स यहाँ पे 1 रिमेनिंग बच गया, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 1/1 दैट मीन्स 1 ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर। इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कितनी इजीली हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बस यहाँ पे फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को सही तरीके से ब्रेक करना है, उसको रीअरेंज करना है एंड इसके बाद इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर द न्यू वीडियोज़। थैंक यू गाइज़।